हेलो दोस्तों, आज मैं इस नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। हाय दोस्तों, मैं भी आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी। आज मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि दोस्तों कैसे अपनी मोबाइल से अपने वोटर आईडी कार्ड का सीरियल नंबर लगा करके किस तरह से वोटर लिस्ट का सीरियल नंबर आप प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, आप किस तरह से जान पाएंगे कि आपका वोटर कार्ड एट प्रेजेंट वोटर लिस्ट के किस सीरियल नंबर पर आपका नाम उल्लेखित है, आपका नाम इनलिस्टेड है? तो इसके बारे में मैं आपको आज बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को प्रथम से अंत तक देखते रहिएगा। आशा करते हैं आप इस वीडियो को देख करके आप अपना वोटर लिस्ट अपने मोबाइल के माध्यम से कुछ ही सेकंडों में आप अपना वोटर लिस्ट देख सकेंगे और जान पाएंगे कि मेरा वोटर लिस्ट के किस कौन से सीरियल नंबर में, कितने सीरियल नंबर में है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम लामा और मैं दीक्षा लामा डुअर्स दर्पण GRS चैनल के अंतर्गत उपस्थित हुआ हूँ फिर एक बार आप लोग को ये बताने के लिए। दोस्तों, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर अवश्य क्लिक कीजिए। आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं किस तरह से अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम को खोज सकते हैं, जानते हैं। सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र में जाकर के गूगल को ओपन कीजिए। गूगल को ओपन करने के बाद आप अपने मोबाइल के कीपैड से ECI टाइप कीजिए। ECI टाइप करते ही एक नया पेज खुल करके सामने आएगी। ECI माने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आप और सेकेंड पेज में आप जाइएगा तो वहाँ पर लिखा हुआ है ECI वोटर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही दोस्तों देखिए एक नया पेज खुल करके फिर सामने आएगी और ये पेज सरकारी पोर्टल है, गवर्नमेंट का एक पोर्टल है। इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल। तो दोस्तों, इस पेज के द्वारा ही आप अपना सीरियल नंबर जान पाएंगे। अपना वोटर लिस्ट सीरियल नंबर जानने का भी दो नियम है, दो तरीके हैं। एक जो है एपिक नंबर लगाकर और दूसरा जो है अपना नाम, अपना पिताजी का नाम या तो अपना पति का नाम, अपना एज, अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टेट का नाम और जिला निर्वाचन क्षेत्र यानी कि डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेलेक्ट करके भी आप अपना वोटर लिस्ट का सीरियल नंबर आप पा सकते हैं, जान सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग जानेंगे मोबाइल में अपना वोटर कार्ड का नंबर मोबाइल के द्वारा टाइप करके किस तरह से अपना वोटर लिस्ट का सीरियल नंबर आप जान सकते हैं। मैंने वोटर कार्ड नंबर टाइप कर लू WB02011 और टोटल नंबर। तो दोस्तों, अपना एपिक नंबर यानी कि वोटर कार्ड नंबर लगाने के बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों, मैं यहाँ अपना स्टेट वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर रहा हूँ। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद और अंतिम
कार्य आप लोग को करना है, ये जो कैप्चा कोड नीचे लिखा हुआ है कोड, इस कोड को आप कैप्चा टेक्स्ट में टाइप करना है। 7 9 5 5 10 में 2 टाइप कीजिए। तो दोस्तों कैप्चा कोड टाइप करने के बाद में आप सर्च में जा कर के क्लिक कर दीजिए, बस हो गई। ये रही पूरी डिटेल। तो इस तरह से आप अपना पूरा डिटेल आप पा सकते हैं। आप अपना नाम, पिताजी का नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पोलिंग स्टेशन, आप किस क्षेत्र में, किस सेंटर में जा कर के आप अपना वोट देते हैं, तो इस तरह से आप अपना पोलिंग स्टेशन का नाम भी आप देख पाएंगे। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आपका जो है वो दिखाई देगा। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी अलीपुरद्वार यहाँ लिखा हुआ, इस तरह से आपका भी अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखाई देगा। यदि आप और व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो आप देख लीजिएगा, देखेंगे आप पाएंगे कि आपका पहचान पत्र क्रमांक नंबर यानी कि एपिक नंबर आपको आपका सामने दिखाई देगा। वोटर इन्फॉर्मेशन को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, चाहिए तो इस प्रिंट को आप दिखा सकते हैं, ये आपका लीगल रहेगा, आपका ये काम चल जाएगा। बस यही है, आप केवल 2 मिनट में ही आप अपना पूरा विवरण, पूरा जानकारी आप पा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप मेरा इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आने वाले मेरे नए नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए आपको अवश्य सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों आज इतना ही। आज मेरे इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सदा खुश रहिए, सदा खुश रहिए। ओके बाय बाय।